हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। आज का ये वीडियो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसका बैंक में खाता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर जनरल पब्लिक हो। दोस्तों, हम बैंक में अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, पर सेविंग अकाउंट से जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो जनरली हमें पता नहीं होता है और जाने अनजाने में हम इनको ओवर रूल कर जाते हैं। और बहुत से केसेस में तो लोगों के पास फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपने सेविंग अकाउंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैश में डिपॉजिट और विड्रॉल पर क्या लिमिट है और UPI ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बताएंगे वो सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप इनको क्रॉस चेक करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम आती है, आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें ये समझनी है कि आज के समय सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। आपका किसी भी बैंक में, भारत के किसी भी बैंक में खाता है तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है। इसका रीजन ये है, बिना आधार कार्ड के कोई भी बैंक आज खाता खोलता नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, इनकम टैक्स की नज़र उस पे है। इस बुलावे में ना रहें कि पता नहीं है, सब पता रहता है उनको, पहली बात तो आप ये समझिए। तो इनकम टैक्स नोटिस का जो जनरल फंडा है वो ये है कि आप अपने अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लिमिट से ज़्यादा करने लगेंगे जो कि गैर कानूनी है, तब इनकम टैक्स आपको रोकेगा। तो आप अगर जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रूल हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के, वो क्या है। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल 10 लाख से ज़्यादा करते हैं, सेविंग अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। उसको ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही है, बैंक बाउंड है देने के लिए। और मान लीजिए आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं या बहुत कम इनकम उसमें आप शो कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। ये जो 10 लाख की लिमिट है, ये किसी एक ट्रांजैक्शन की नहीं, जितने भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में सबकी मिला के है। इस चीज को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपका एक खाता PNB में है और आपने 11 लाख रुपये उसमें एक ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट कर दिए और 6 लाख रुपये उसमें से विड्रॉल कर लिए, क्योंकि डिपॉजिट की लिमिट आपने 10 लाख से ऊपर की है वो क्रॉस कर दी, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को जाएगी आपके बैंक की तरफ से और हो सकता है आपको नोटिस आए। दूसरा केस, आपने PNB में 4-5 बार में कैश डिपॉजिट किया, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके, और 2 लाख उसमें से विड्रॉल कर लिया, तो इस केस में भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डिपॉजिट की वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको ब्रीच किया है। अब तीसरा केस है, मान लीजिए आपने PNB में तो 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया और 5 लाख रुपए ही उसमें से विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपका एक बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में भी है जिसमें से आपने 8 लाख रुपए का कैश विड्रॉवल किया है, तो दोनों अकाउंट का जो विड्रॉल है आपका मिला के वो 10 लाख से ऊपर चला गया, तो इस केस में भी चांसेस हैं कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे। तो होता क्या है, जब नोटिस भेजा जाता है इनकम टैक्स की तरफ से, तो वो आपसे क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो इतने ज़्यादा रुपए में हो रहे हैं, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न तो इतने कम का ही भर रहे हैं, तो वो आपसे जवाब मांगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि आप उन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर पाएं, हो सकता है कि आपका ऐसा कोई बिजनेस हो, आप इन खर्चों को उसमें जस्टिफाई कर दें, तो आपको अपना जवाब देना होता है। आपने कैश डिपॉजिट किया लिमिट से ज़्यादा या विड्रॉल किया, लेकिन अब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ये जो कैश आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है, मतलब डिपार्टमेंट को पूरी छूट है इस वाले अमाउंट पर अपनी पेनल्टी इम्पोज करने की, और फिर बहुत हैवी पेनल्टी लगती है। पहला तो ये कि वो इस डिपॉजिट को आपकी इनकम मानता है और वो पहले तो इनकम पे टैक्स लगाएगा, फिर जो कैश डिपॉजिट हुआ है उस पे पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं बैंक लोन पे। तो सबसे पहले एक नियम जान लीजिए कि अगर आप किसी बैंक या NBFC से लोन लेते हैं तो 20,000 रुपए से ऊपर का लोन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। वो 20,000 से ऊपर का लोन कैश में
नहीं दे सकते हैं। इसका उल्टा भी समझिए, अगर 20,000 से ऊपर की आप लोन पेमेंट करते हैं तो वो भी आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ही करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैश पेमेंट करते हैं तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। इस पे भी बहुत हैवी पेनल्टी होती है जो कि इनकम टैक्स सेक्शन 271D के अंदर आती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कैश पेमेंट पर। देखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपए से ज्यादा कैश में किया तो चांसेस है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। अब सेविंग अकाउंट की बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं कि इनकम टैक्स की दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसकी कोई लिमिट इनकम टैक्स ने स्पेसिफाई नहीं की है कि इससे ज़्यादा आप कैश अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है जो हर साल अपने अकाउंट में 4,00,000-5,00,000 रुपए ऐड कर रहा है और आज उसके अकाउंट में 50,00,000 रुपए हैं, तो इनकम टैक्स को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि रेगुलर इनकम उसकी आ रही है और वो हर साल अपना रिटर्न भर रहा है। लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं और आपके अकाउंट में 50,00,000 या और कोई मान लीजिए बड़ा अमाउंट आ जाता है तो इनकम टैक्स आपसे तुरंत सवाल पूछेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा उसका कि ये आपको पैसा कहाँ से मिला है। तो सीधी सी बात है, आपको बैलेंस उसी हिसाब से रखना है जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है अपने रिटर्न में। अब बात करते हैं कैश विड्रॉवल की, कि कैश विड्रॉवल कितना करा जाए बैंक से ताकि उस पर TDS ना काटे। यहाँ नोटिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात दूसरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को बोल दिया है कि भाई हर किसी की लिमिट स्पेसिफाई है कि इतना आप TDS काट के कैश विड्रॉवल दोगे। तो इसके अंदर दो केसेस हैं, पहला जो RTR भरते हैं, दूसरा जो ITR नहीं भरते हैं। तो जो लोग ITR नहीं भरते हैं और पिछले 3 साल में ITR नहीं भरी है, वो 20,00,000 से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 20,00,000 से 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर 2% TDS कट के और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कैश विड्रॉल करेंगे तो 5% बैंक TDS काट के देगा। और जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और बैंक में उन्होंने पिछले 3 साल की ITR की एक्नॉलेजमेंट सबमिट भी करा रखी है और वो अगर 1 करोड़ से कम का कैश विड्रॉल करते हैं तब उन्हें छूट है, कोई TDS नहीं लगेगा। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर अगर वो भी कैश विड्रॉल करेंगे तो 2% TDS उनको भी देना होगा। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला केस मान लीजिए, मैं ITR नहीं भरता हूँ और मैंने बैंक से कैश विड्रॉल किया 25,00,000 का, तो 20,00,000 से ऊपर का अमाउंट है 5,00,000, तो 5,00,000 पे 2% का TDS लगेगा जो बनेगा 10,000, तो 10,000 रुपए TDS मुझे देना होगा। दूसरा केस, मैं ITR भरता हूँ और मैंने 25,00,000 का कैश विड्रॉल किया तो मुझे वहाँ कोई TDS बैंक को नहीं देना है, बैंक चुपचाप मेरे 25,00,000 रुपए मुझे दे देगा। अब बात करते हैं UPI की, UPI से मैं कितना ट्रांजेक्शन करूँ कि मैं इनकम टैक्स दायरे में ना आऊँ, या मुझे इनकम टैक्स ना भरना पड़े, या GST वाले मेरे पीछे ना पड़े। तो इसको दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब हम बात करेंगे कि 1 साल में कितना सेंड और रिसीव करें कि इनकम टैक्स नोटिस ना आए। इसको भी आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो इंडिविजुअल के केस में, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने सेविंग अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, आप पेमेंट तो कितना भी भेज सकते हैं लेकिन जो टोटल इनकम आएगा वो अगर 5,00,000 से ज्यादा हो रहा है तो आपको ITR भरना अनिवार्य है। नहीं भरा आपने तो हो सकता है आपके पास नोटिस आ जाए। अब हम बात करते हैं GST की। तो देखिए, GST भी बहुत ज़्यादा दायरे में है। मान के चलिए अगर 40,00,000 से ज़्यादा आपके खाते में टर्नओवर हो रहा है तो GST लेना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में इसको शेयर करें ताकि आपके जानकार लोगों को भी ये पता लगे, इसके बारे में पता चले और वो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना पड़े।